Welcome to the channel. My name is Ananta, and in today's video, we are going to discuss about legal internships. So I am a first-year law student year. <laughs> I am a second year law student at Institute of Law near my university. Being in second year, I have a very very limited experience of legal internships. So from that very limited experience, mera jo bhi experience hai, I'm gonna share kya mujhe important or thus I'm gonna share my raw, honest. Unfiltered experience with all of you, but obviously, ki main, I'm not the right person when it comes to guiding you on internships. We are soon going to bring a video with someone experienced in which we talk almost everything about internships, and that video will turn up to be a very helpful video for all of you. So, stay tuned for that. By the way, if you're watching me for the first time, then make sure you check out the channel. I make videos related to self help and law school. सो इफ दैट कॉन्टेंट हेल्प्स यू इफ़ यू लाइक इट मेक शर यू सब्सक्राइब एंड without further ado let's देखो इंटर्नशिप इज वेर यू अप्लाई द नॉलेज दैट यू गेनिंग इन द लॉ स्कूल लॉ स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम तुम्हें नहीं सिखाई जाती हैं इट्स जस्ट लाइक स्कूल चल रहा है आई मीन कॉलेज चल रहा है क्लासेस चल रही हैं एंड बस इन्स जस्ट फ्लोइंग यू डोंट गेट टू लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक हाउ डू यू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और हाउ डू यू ड्राफ्ट एप्प्लीशन पैट्रशियज एंड हाउ डू यू डील विथ थिंग एंड ऑल दैट आपको लॉ स्कूल में नहीं सिखाया जाता है आपको सिर्फ नॉलेज दे दी जाती है उसको अप्लाई करना इंटर्नशिप्स में सिखाया जाता है आप सीखते हो आप तो पहली तो एप्लीकेशन वाली चीज़ हो गई दूसरी आप नेटवर्कस बनाते हो आप पीपल हु आर वर्किंग इन दैट फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट और थिंग्स दैट यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर उसमें You make connections, you meet people who are experienced, who are your seniors, and their experience teaches you a lot. Third, you get a lot of exposure. You're exposed to things that you're not comfortable with, that you feel you're very weak in, or you're nervous about things, and you're exposed to those things, which makes you handle things well. Uske baad, fourth thing is you become responsible because you're handling the work of. मतलब रियल लाइफ का काम आप कर रहे हो भाई तो ऑटोमेटिकली यू बिकम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इफ़ यू कैन डू दी मतलब बहुत ही सुपर चीज़ लग रही होगी सुनने में लेकिन देखो ना मैं अगर कोई कोर्ट के पेपर्स से डील कर रही हूँ कुछ ड्राफ्ट कर रही हूँ आई एम डूइंग दैट थिंग विच इज़ लाइक किसी की भाई जिंदगी की सवाल हो सकता है वो मतलब यू गेटिंग एम ट्राइंग टू से सो यू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो बिकॉज यूर वर्किंग ऑन द कोर्ट पेपर्स और आप रियल लाइफ आई यू नॉट जस्ट डूइंग इट फोर योर प्रोजेक्ट्स एंड सबमिशन्स एंड असाइनमेंट्स इट्स इट्स रियल थिंग दैर यू आर डूइंग एंड यू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी की येस मैम आई एम ग्रोइंग काफाउट द इमोटेंस ऑफ इंटर्नशिप्स लेट्स जम्प राइट ऑन टू वेयर डिड आई इंटर्न एंड हाउ हेज माई एक्सपीरियंस बिन तो मैंने दो इंटर्नशिप्स करी अभी तक फर्स्ट ईयर में करी थी अभी थर्ड चल रही है तो फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने करी थी एक एन जी ओ में जो कि मैंने अपने ब्रेक के टाइम पे ही करी थी सेकंड इंटर्नशिप मैंने करी थी अपने ब्रेक के टाइम पे ही गुजरात हाईकोर्ट में तो देखो दो टाइप की इंटर्नशिप बेसिकली आप कर सकते हो एक तो आप जब आपको ब्रेक्स मिल रहे हैं आप तब करो ठीक है फुल टाइम मैंने फिर इंटर्नशिप मैंने पूरे दिन आप वहीं हो पूरा टाइम एक महीना आप वहीं हो दूसरा हो सकता है इस दरानिंग इंटर्नशिप दैट इज़ यू डू इट टुगेदर विथ योर कॉलेज सो यू अटेंड कॉलेज इधर ऑल्टरनेट डेज या इन दे टाइम एंड ईवनिंग्स में आप इंटर्नशिप पर जा रहे हो तो दो टाइम की इंटर्नशिप्स हो सकती हैं मैंने फुल टाइम इंटर्नशिप ही की थी इन द मंथ ब्रेक जो मिलता है तो पहली मैंने एन जी ओ में करी थी जो कि बहुत लिमिटेड था जिसका एक्सपोजर बिकॉज वो ऑनलाइन थी मैंने वहाँ पर जो बेसिक काम किया था वो था वही ब्लॉग राइटिंग कॉन्टेंट क्रिएशन ग्रूप डिस्काशन दैट द सेकेंड इंटर्नशिप वॉज अंडर एन एडवोकेट इन गुजरात हाई कोर्ट एंड देट वॉज वेरी गुड इंटर्नशिप तो उस इंटर्नशिप के लिए मैंने कैसे अप्लाई किया ओके okay, तो वो जुलाई में की थी मैंने उस इंटर्नशिप के लिए मैंने पहले तो आई स्टार्ट हमें ट्रायल इंटर्नशिप ट्रायल कोर्ट में इंटर्नशिप करनी थी गुजराती मुझे नहीं आती है तो मुझे गुजराती में प्रोसीडिंग्स भी समझ नहीं आती हैं सो आई इज़ लाइक आई नीड टू गेट एन इंटर्नशिप इन दी हाई कोर्ट देन क्योंकि वहाँ पर प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं आई आज माई टीचर्स की ऐसा हो सकता है क्या सो so दिस हो सकता है जस्ट यू नीड अ गुड मीन डॉल दैट सिट हो सकता है दर्सन शुड एक्सेप्ट आई आज द प्लेसमेंट सेल कि आप मुझे किसी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या इफ़ यू कैन गिव मी सम नेम्स आई कैन यू नो अप्रोच टू सो दे गिव मी सम नेम्स आई मेल्ड दैम विद माई काविलेटर एंड माई सी वी कि ऐसा ऐसा है एंड आई जस्ट वुड टेक दिस ऑप आई वुड लाइक टू यू नो

जिसके अंदर मैं इंटर्नशिप कर सकूँ तब ही सजेस्टेड मी एन एडवोकेट कि आप इनके अंदर करो ही इज़ अ वेरी गुड मेटोन एंड यूल गेट अ गुड गाइडेंस फ्रॉम हेम एंड ही इज़ रियली नाइस तो फिर मैंने उनको मेल लिखा उनकी पूरा पूरा सी वी कावे लेटर के साथ उनको भी मैंने मेल मैं अप्लाई किया एक दो दिन में ही शायद मुझे रिप्लाई आ गया था आई नो सेम डे आई गॉट द रिप्लाई कि येस यू यूर वेलकम टू जॉइन बी ऑफिस एंड दैट वॉज आई आई गॉट द इंटर्नशिप

मुझे अपनी धड़कन यहाँ 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 सुनाई दे रही थी एंड जब मैं वहाँ गई थी द फर्स्ट डे आई डिड नॉट इवन नो वट एनेक्जर्स वर या तो मेरी नर्वसनेस uh, के कारण मैं सब भूल गई थी कि एनेक्जर्स क्या होते हैं मतलब एनेगजर जैसी बेसिक चीज़ एंड एम लाइक ओके एनेक्जर्स ठीक है सर आई नोट इट डाउन एंड मतलब कुछ भी एकदम एकदम ही फर्स्ट डे वॉज डे लाइक डू यू नीड टू वर्क अल लॉट ऑन यू ऑन यू तुम्हें कुछ नहीं आता वो जो कि वो परफेक्शन चीज थी विद द टाइम बढ़ी ही है कि जैसे जैसे वो एक महीना कंप्लीट हुआ मुझे और ज्यादा रियलाइज हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है एंड देट इज दीख नहीं था फिर ही स्टार्टेड गिविंग मी वर्क आई हेड अनेजिंग को इन टर्मस इज वेल सो आई गॉट अ रियली गुड इंटरक्शन एंड देर दे लाइक वन यर सीनियर टू वी सो आई गॉट टू नो अ लॉड ऑफ थिंग्स इज़ वेल तो उसके बाद मुझे मिला काम तो बेसिक जो काम था इट वॉज़ अ सिविल मैटर पूरा सिविल मैटर्स में मोस्टली डील कर रहे थे हम तो आई गॉट टू ड्राफ्ट अ लॉड ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टिंग वॉज समथिंग दट आई वॉज लाइक मुझसे नहीं हो सकती ड्राफ्टिंग मैं सच बता रही मतलब ऑनेस्टी मुझे इतना था कि मुझसे कुछ भी करा लूँ मुझसे ड्राफ्टिंग मत कराना मुझे ड्राफ्टिंग नहीं आती मुझसे नहीं होगा मैंने ऑब्वियसली नहीं आती क्योंकि तो पहले नहीं करी थी बट हाँ ये ये चीज़ कि भाई तुमने करी नहीं है तो तुम्हें कैसे आएगी मैडम दिमाग में भी नहीं थी ठीक है तो मुझे नहीं करनी थी भगवान जी बस ड्राफ्टिंग ना मिले एंड द मेजर वर्क दैट आई डन पूरे महीने में इज़ ड्राफ्टिंग तो हाँ मुझे पहली ड्राफ्टिंग दी गई कि आपको सिविल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है फ़ॉर अर्ली हियरिंग उसके बाद दो सिविल एप्लीकेशन फ़ॉर अर्ली हियरिंग और करी मैंने ड्राफ्ट उसके बाद वी हैड टू जॉइन वी हैड टू ड्राफ्ट अ री जॉइंडर दैट इज बेसिकली अगर पटिशन जब फाइल होती है तो उसके रिप्लाई में जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो रिप्लाई करते हैं उस रिप्लाई का जब हम रिप्लाई देते हैं दैट इज कॉल्ड अ री जॉइंडर सो वो रीजाइंडर ड्राफ्ट करने थे हाउ डू यू रिसर्च फॉर द री जॉइंडर्स हाउ शुड योर अप्रोच बी हाउ डू यू रीड द लॉ जर्नल्स उसके बाद हाउ डू यू प्रजेंट योर सेल्फ इन द कॉर्ट हाउ लाइक क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने की होती हैं जब आप कोर्ट में हो ये सारी चीज़ें मतलब मेरा एक्सपीरियंस लिटरली इट्स बिन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट वन मंथ इज लाइक ऑसम लाइक टोटली ऑसम मुझे अपनी वीकनेसेस पता चली मुझे अपनी माय माय मेंटोर वाज सो गुड दैट ही यू नो पिन पॉइंटेड माई हीड मीन अ बैड वे एंड ही ऑलवेज यू नो पिन पॉइंटेड मेरी क्या गलतियाँ हैं मेरी क्या वीकनेसेस हैं इन अ वेरी पोलाइट मैनर आई मीन गेटिंग गुड सीनियर्स इज इज़ लाइक बहुत मुश्किल एंड ही ही वज़ अ वेरी गुड मैन एनी वेज सो तो मुझे अपनी वीकनेसेस पता चली मुझे पता चला कि मैं किन चीज़ों में अच्छी हूँ और मुझे क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मुझे इम्प्रूव करना है वो सब चीज़ें मुझे तो पता पता चली ठीक <laughs> है Um, जो एक चीज़ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इज़ टू मैंटेन एन इंटर्नशिप डायरी वट आई एव नोटिस डिज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल मेंटेन अ प्रॉपर इंटर्नशिप इंटर्नशिप डायरी वो कोई भी नोटबुक में रफ नोटबुक में वो चीज़ें नोट करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट आई मेनटेन इंटर्नशिप डायरी और इवन आई वॉज टोल्ड बाई माई प्रोफेसर कि आप एक इंटर्नशिप इंटर्नशिप डायरी मेनटेन करो दैट्स वाई यू नो प्रोफेसर से इंटरटैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्लास में नहीं अलग से जाके आप बात करो उनसे जाके बैठो तो दिल गाइड यू कि भाई क्या करना ज़रूरी है अब ये सारी बातें क्लास में हो पाए नॉट नॉट नेसेसरी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो बड़ी बात होती है रिसर्चिंग बहुत ज़्यादा आपकी रिफाइन होती है वैन यूर टर्निंग नो डाउट वैन यूर प्रिपेयरिंग फॉर मूड कोट कॉम्पिटिशन वैन यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स इन नॉट एग्ज़ाम्स पर से बट योर असाइनमेंट्स आपको रिसर्च में हेल्प मिलता है लेकिन कहाँ से आपको जब एक ओरिजिनल मैटर आपके पास है और आपको बोल दिया जाए कि बस ये ड्राफ्ट करो इसकी एप्लीकेशन तब आपको चीज़ों को ढूंढना पड़ता है और वो ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करना है किस तरीके से वो करना वो 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 आप लर्निंग्स के साथ ही आता है तो या दैट वाज व्हाट आई लर्नड अभी तक बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी होंगी मैंने और मैं बहुत बोलती भी हूँ इसलिए कहानी भी बोल दी मैंने बहुत ज़्यादा हाँ मुझे और याद आया जब आप इंटर्न कर रहे हो तो ना आप पच्चीस लोगों से डील करते हो क्योंकि आप ऑफिस uh, के स्टाफ से बात कर रहे हो आप कोर्ट में लोगों से बात कर रहे हो यू डीलिंग विद योर को इंटर्न इज़ वेल यू गेट टू लर्न हाउ डू यू डील विद पीपल द वे यू टॉक विद पीपल आप लोगों से काम कैसे निकलवाते हो आपको किस तरीके से किससे बात करने की ज़रूरत है सो so दैट उनको पोलाइट भी लगे यू डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेल एंड वैसे इंटर्नस की क्या ही इज्जत होती है ऐसा मैंने बहुत सुना है बट मुझे मैंने जहाँ इंटर्न किया मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ऐसा हो इट्स अ लवली प्लेस टू इंटर्न एंड गुजरात हाईकोर्ट इज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माई अ फ्यू टिप्स फ्राम दैट वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस वुड बी पहली चीज़ मेंटेन एंड टर्नशिप डायरी राइट डाउन अब वर्क यू डन राइट डाउन द इंटर की सीज जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि फॉर्मैट कैसे होते हैं इस टाइप की चीज़ों में ऐसा ऐसा करना चाहिए और राइट डाउन दीज थिंग्स की आपने जिन जिन मैटर्स पे काम किया उनमें क्या प्रोविजन्स लगे हैं क्या नए आर्टिकल्स या क्या नई चीज़ें आपने सीखी हैं उसके बाद सेकेंड प्लीज अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एट लीस्ट वन और टू मंथ्स बिफोर योर इंटर्नशिप मंथ सो अगर आपकी इंटर्नशिप जनवरी में है स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम राइट नाउ जो कि मुझे भी करना है मेरी भी इंटर्नशिप जनवरी में है और मुझे अभी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लीकेशन भेजनी है आग पहले से जब एप्लीकेशन भेजते हो दैट शोज़ योर डिसिप्लिन दैट यूर शोज यर टारगेट कि आप पहले से श्योर हो कि आपको कहाँ इंटर्न करना है अगर आप एन मोमेंट पे भेजोगे तो ना तो सीट्स प्रॉपरली वेकेंट होंगी इंटर्नशिप्स के लिए पोजिशन होंगी ना ही एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपको यार आप दो हफ्ते पहले मेल कर रहे हो कि सर मेरे को दो हफ्ते बाद इंटर्नशिप चाहिए तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं तो ठीक है इट्स इट्स एन आइडियल प्रैक्टिस uh, की आप एक से दो महीने पहले इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दो तीसरी चीज़ बहुत सारी जगह इंटर्न करने के लिए फाइंड प्लेसेस वे यू वुड लव टू वर्क अगर आप जैसे नेटफ्लिक्स बहुत देखते हो नेटफ्लिक्स या कंटेंट क्रिएशन में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है व्हाई नॉट वर्क इन द लीगल टीम ऑफ नेटफ्लिक्स अप्लाई फॉर इंटर्नशिप देर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आप इंटर्न कर सकते हो वीव डन अ वीडियो विथ पूर्णता दीदी इन विच वीव टॉक्ड अबाउट करियर्स आफ्टर लॉ और उसमें एक पार्ट है जहाँ पे हम डिस्कस uh, करते हैं कि कैसे बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि जजशिप एडवोकेट एडवोकेसी और लॉ फॉर्म्स इन सबसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बहुत सारी चीज़ें तो उसमें वो पार्ट है जहाँ पे आपको मिलेगा यू कैन ऑल्सो टेक रेफरेंस फ्रॉम देट एंड वहाँ पर आप उन जगहों पर इंटर्नशिप्स कर सकते हो बेसिकली आप यू केन जस्ट वॉच दैट वीडियो पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती तो ऐसे ही होता है मैं सब आर राइट आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दिस वॉज द एक्सपीरियंस मेरा मेजरली जो रहा है बहुत ज़्यादा नर्वसनेस से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसके बाद अभी तो आई एम कम्फर्टेबल विद ड्राफ्टिंग स्टफ बहुत ज़्यादा मैंने कोई इंटर्नशिप तो लंबी करी नहीं थी मेरी एक महीने की इंटर्नशिप थी एक्जैक्टली exactly. लेकिन उस एक महीने में चीज़ें ड्राफ्ट करके गलतियाँ देख के बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हुए हैं वो भी देख के बहुत स्टूपिडिटी करी है मैंने उन सब के बाद भी कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ काम किया जा सकता है मुझसे हो जाता ही है ड्राफ्टिंग मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ और और भी चीज़ें लोगों से बात करने का तरीका अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे रखते हैं वो सब मैंने सीखा है इंटर्नशिप से एंड दैट्स वॉट यू लर्न यू नो यू यू लर्न हाउ टू डील पीपल दैट यू डू नॉट लर्न टिपिकली डू नॉट लर्न इन कॉलेज So, yeah, that's what it's been like. Soon, I'm going to bring a video with someone experienced in which we talk almost everything about internships. And it's, I intend to make that video the most helpful one. And make sure that you do watch that video. And so, you do not miss that. Please subscribe to the channel if you feel that I've missed something, please drop down in the comments. If you've missed a particular topic, pe video chahi, please, please, please comment down in the comments. And I'll see you the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.